नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ट्रस्ट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें मोहम्मद अरमान कबीर पश्चिम बंगाल की ओर से स्पोक पर्सन का कार्यभार निभा रहे थे। तो आइए हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं पूरी खबर। ऐसे हुआ ना कि देखिए माइनॉरिटीज नाम है, अच्छा सवाल आपने किया था कि माइनॉरिटीज है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमारे संगठन का वजह कोई माइनॉरिटी तबके का कोई आदमी नहीं हुआ। ठीक है, हमारा एक मतलब पांचकुड़ा में एक जब यहाँ लेफ्ट की सरकार थी तो एक हिंदू लड़के की मर्डर हो गई थी वहाँ पे, और उनके वालिद वालदैन जो है उनके माता पिता थाना में जाते थे, और लाल की सरकार थी उस वक्त और लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, उनका उनकी केस की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और दरबार में जब वो आए, आईमा से पहले दरबार है, तो दरबार में जब वो लोग अपना प्रॉब्लम लेकर के आए तो हम दरबार के लोग थाना में गए तो दरबार के लोगों को भी थाना ने कोई महत्व नहीं दिया। तो जब हम लोग वापस आए कि उस लड़के के साथ इनजस्टिस हो गया, चाहे वो किसी भी कौम का है, मैंने कहा ना दरबार सबके लिए है। ठीक है, दरबार में आप देखिएगा मंगल और शनिचर को सिर्फ गैर मुस्लिमों की मतलब ज्यारत करने के लिए आते हैं वहाँ। ठीक है, तो उस वक्त जो है सो कि हमारे जो सैयद रूहुल अमीन साहब और भी जो लोग हैं सभी जो है ये चिंतित थे कि हमारे पास इतना बड़ा भीड़ है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड भीड़ नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन होता तो थाना को मजबूरन हमारी बात को सुननी होती और वो हमारी बात को सुनते और उस बच्चे को इंसाफ मिलता। वही एक मतलब ब्रेन हुआ, वो सोच हुई वहाँ पे दरबार शरीफ में, और उसी वक्त जो है आईमा का गठन किया गया और हम लोग एक साथ आईमा का गठन किया। आने वाले दिनों देखिए देश के जो हालात हैं इस पर हमारी पूरी नज़र है, हमारी और हमारे संगठन और हमारे संगठन के जो रूए रवा हैं सैयद रूहुल अमीन साहब उनका भी। तो संगठन पिछले 10 साल से माशरे में काम करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए फिलिस्तीन का जो मामला है, हमारे सैयद देखिए हमारी नज़र है फिलिस्तीन के जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे वो लोग इसराइल की तरफ से की जा रही है या हमास के तरफ से की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे उलमा हैं जो अरब रीजन के हैं, टर्की हैं और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जिनसे हमारे सैयद रूहुल अमीन साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हमारी नज़र उन पर बनी हुई है। जिस तरह का वो लोग स्टैंड लेंगे हम लोग उस तरह का यहाँ पे अपने संगठन को उसी तरह दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्पोक्स पर्सन मैं पहले भी था लेकिन कलकत्ता कमेटी का था, इस बार भाईजन ने थोड़ा प्रमोट किया है मुझे, पूरे पश्चिम बंगाल का स्पोक्स पर्सन किया है, तो हमारी जिम्मेवारी तो बढ़ी है। ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने संगठन को और संगठन की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को अपने संगठन के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपने संगठन की एक्टिविटीज़ आप पूर्व मिदनापुर में देखिए, हल्दिया में देखिए, हमारा संगठन लगभग कम से कम 4 लाख से 4.5 लाख मेंबर्स को होल्ड करता है, बड़ी संगठन है, जानकारी लीजिए। 10 साल पहले हमारा संगठन जो है पॉलिटिकल काम करने जा रहे हैं। देखिए जब हम लोग पंचायत चुनाव लड़ा है और हमारे पंचायत में 22 ग्राम पंचायत हम अगर हम चुनकर आए हैं तो जाहिर सा बात है कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी माशरे में है, और आगे के लिए हम लोग अभी स्टैंड लिया नहीं है लेकिन हम लोगों की बातचीत चल रही है कि हम लोग आने वाले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ जाने की कोशिश करेंगे। जी देखिए जिस तरह से बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार सरकार अभी हो रही है, ईडी किसी के ऊपर भी हाथ रख दे रही है और उनका भ्रष्टाचार सामने खुलकर चला आ रहा है, तो इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है और ऐसे स्वच्छ छवि वाले लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत है। और इस पर भी आईमा ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन और सैयद रूहुल अमीन साहब इस पर भी गौर फिक्र करेंगे कि हम लोगों तक पहुँचाए कि आने वाले इलेक्शन में ऐसे लोगों को वोट ना दे जिनका दामन दागदार है और अच्छे लोग यहाँ पे ओहदा संभाले, अच्छे मिनिस्टर बने, अच्छे MLA बने, अच्छे MP बने, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। हम मतलब ममता बनर्जी के खिलाफ जाएंगे, हमने कहा कि इंडिया गठबंधन को हम लोग समर्थन देंगे और ऐसे कैंडिडेट को समर्थन देंगे जिनकी छवि स्वच्छ होगी। दरबार है, दरबार है, दरबार सबका है, दरबार में अधीर रंजन चौधरी भी गए हैं। ठीक है, और अभी जो कलकत्ता कॉरपोरेशन की जो माला राय हैं जो चेयरपर्सन है वो भी गई हैं दरबार में। ठीक है,
और तृणमूल के जो जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे तो वो दरबार में पड़े रहते थे, दिन दिन भर रहते थे, सुबह अगर आ जाए तो दरबार से शाम में जाते थे। तो दरबार में किसी को जाने से रोका नहीं जा सकता, इसका किसी का भी जाने से किसी के साथ गठबंधन नहीं हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब इलेक्शन को लेकर के तैयारी है ऐसा नहीं कह सकते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा नहीं है, आईमा का एक्टिव मेंबर भी यहाँ पे हैं। अभी फिलिस्तीन को लेकर के भी यहाँ के एक्टिव मेंबर्स ने पार्क सर्कस से गांधी स्टैचू तक मार्च वगैरह फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला था, तो यहाँ भी काम हो रहा है, देर सवेर लोगों तक पहुँचेगा। ये सवाल तो आप लोग को ममता बनर्जी से करना चाहिए ना, हम लोग तो खामोश नहीं, हम लोग तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देखिए, इसराइल ने ज़मीन कब्जा कर रखा है ये सभी जानते हैं, ठीक है, और एक नैरेटिव सेट कर लिया गया है हमास के बारे में, ठीक है, कि देखिए बहुत बड़ी स्टडी है और बहुत पढ़ना पड़ेगा फिलिस्तीन और इसराइल को समझने के लिए, ठीक है, किस किस ने फिलिस्तीन को धोखा दिया, फिलिस्तीन की सरकार को फिलिस्तीन अथॉरिटी क्यों बोला जाता है, ठीक है। 1993 में नॉर्वे का एक जो समझौता हुआ था, बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम में 1993 में, ठीक है, एक समझौता हुआ था, तो वो सारे समझौतों को नहीं मानना। 1996 में नितिन्याहू जो यूएनओ जो है डबल नेशन टू नेशन थ्योरी जो दिया उसको मानने से इनकार कर दिया, और उस मतलब उनका चुनावी मैनिफेस्टो ही रहा है कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, देखिए मामला इतना उलझा हुआ है ना कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर इसराइल को विक्टिम पेश कर दे रहे हैं कुछ लोग जो हैं, यहाँ के जो समर्थक लोग हैं, इजरायली समर्थक लोग हैं, वो किसी मुसलमान का समर्थन नहीं कर रहा है वहाँ, ठीक है। हमारा एक मामला है कि अगर दुनिया, हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी खुतबा है कि दुनिया के किसी भी खित्ते का रहने वाला मुसलमान जो है एक दूसरे का भाई है, लेकिन यहाँ पर तो इंसाफ की भी तो बात है ना, कि ये देश तो उनका फिलिस्तीनियों का था जिसमें इसराइलियों ने कब्जा किया है। माइनॉरिटी, देखिए माइनॉरिटी जो नाम है हमारा, माइनॉरिटी हिंदुस्तान की हकीकत है या नहीं है, माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज़ का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ तबका है या नहीं है, तो उनके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि हमारे अभी अभी हम लोग सर्वे कर रहे थे, 47,000 हमारे गैर मुस्लिम भी हमारे मेंबर हैं जिनके पास हमारी मतलब ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का कार्ड है हमारा, उसमें सुविधा क्या देंगे मेंबरों को। अब आप देखिएगा कि 16-9 के बाद भी हम कुछ टीवी चैनल्स पे हम गए हैं डिबेट में, तो वहाँ मुझे स्पोक्स पर्सन ही बोला गया है, ठीक है, मुझे मिल गया था, उसके बाद फिर मैंने सोचा नहीं कि इसे लोगों तक बताऊं, जिन्हें जानना होगा वो खुद जान जाएंगे, लेकिन फिर सैयद रूहुल अमीन भाईजान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप अपने आपका जो पोर्टफोलियो मिला है उसे आप पब्लिश कीजिए, इसलिए आज मैंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों जी कि अपना पूरा देने की कोशिश करेंगे लिए ही क्यों, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही क्यों, काम तो सबके लिए होंगे ना, एमएलए तो सबके होते हैं, मुख्यमंत्री सबका है, माइनॉरिटी तो है हमारी, कोशिश है हमारी कि सभी एक छाते पे आए, लेकिन इतना पॉलिटिकल मतलब रिवेंज है एक दूसरे में, और महाशरे का हालत ऐसा है कि बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है किसी एक आदमी को भी बुलाने में, इस करने में बहुत, क्योंकि मतलबी लोग हो गए हैं बहुत सारे लोग जो है ना महाशरे में चल रहे हैं। उस वक्त हम लोग ये इलेक्शन लड़ने की तरफ हम लोग जा रहे थे कि एक ऐसा फ्रंट बनाए जिसमें हम स्वच्छ छवि के लोग जो है वो इलेक्शन में खड़ा करें और आईमा का जो वोट है उनको दिलाया जाए। लेकिन जब हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोगों ने जब सर्वे किया, हमारा नाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने नाम भी अनाउंस किया था, ठीक है, यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट, ठीक है, तो उस वक्त अब तक हम लोग सर्वे नहीं किए थे क्योंकि चुनाव का इलेक्शन डेट ये हो गया था, लेकिन जब हम लोगों को सोच हुआ कि हम लोग कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं तो हम लोग अपने लोगों के बीच एक सर्वे कराया, आईमा की टीम ने, मीडिया टीम और जो बाकी जो टीम है उन लोगों ने जब सर्वे किया तो हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे फिरकावाना ताकत जो है यहाँ पे सरकार में आ रही है, इसलिए हम लोगों ने 2021 का इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया कि कौम को नुकसान हो जाएगा और राज्य में इस तरह का फसाद फैलने का डर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुकूमत में ना आ जाए, ठीक है, अगर हमारे वोट कटते हैं, वाकई में अगर हमारे वोट कटते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ हुकूमत में आ जाती, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हट गए। मुझे स्पोक्स पर्सन, हम बनेंगे ना आवाज आईमा की,
और आप लोग हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे, हिंदुस्तान तक पहुंचाएंगे। कलकत्ता का संगठन मजबूत है, मजबूत है कलकत्ते का संगठन। आप हमारे फैसल अली साहब हैं और भी बहुत सारे शाहीन साहब हैं, नदीम साहब हैं, ये सभी आईमा के ही हैं, जुड़े हुए हैं। ये एक मैं फेमस नाम बता दूं कि आईमा से जुड़े हुए वली रहमानी भी हैं, वली रहमानी भी आईमा से ही जुड़े हुए हैं। तो ज़रूरत पड़ने पे सभी अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। स्पोक्स पर्सन बना हूँ, भाईजान ने मुझे स्पोक्स पर्सन से नवाजा है, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया आपको।